तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस के अंदर। मैं जितेंद्र प्रजापति और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान के 10 संभागों के बारे में। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि राजस्थान 10 संभागों में कितने जिले आएंगे, कौन कौन से जिले आते हैं और कितने जिले आते हैं, यानी कि हम किस संभाग के अंदर कौन सा जिला आएगा, ये आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के में बनाए गए नए 19 जिलों के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था कि किस जिले के अंदर कौन सी तहसील आती है, कौन सा उपखंड आते हैं। अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस जिले के अंदर कौन सी तहसील आती है। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि किस संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे पहले 7 संभाग थे राजस्थान में और अब 3 संभाग नए बना दिए गए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे और टोटल 10 संभाग हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको लेटेस्ट वैकेंसी के साथ साथ इमित्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार की योजना के बारे में भी जानकारी मिलती रहती है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं नवीन संभागों के गठन के बारे में। आज देखेंगे हम नवीन संभागों के गठन के बारे में और ये है हमारा राजस्थान का नया मानचित्र। इसमें 50 जिले बता रखे हैं और जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बात की थी इस मानचित्र के बारे में, और हमने पिछले वीडियो के अंदर ये भी देखा था कि राजस्थान बनाएंगे नए 19 जिलों के बारे में, यानी कि हमने उस वीडियो के अंदर बता रखा पूरा पूरा कि किस जिले के अंदर कौन कौन सी उपखंड आती है और कौन कौन सी तहसील आ रही है, वो सारी बात हमने पिछले वीडियो के अंदर बता रखी है। और ये हमारा नया राजस्थान का नक्शा हो गया। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो की लिंक पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो और अच्छे से आप समझ सकते हो कि किस जिले के अंतर्गत कौन कौन सी उपखंड आती है और कौन कौन सी तहसील आती है। तो ये बात होती है अपने नए राजस्थान के मानचित्र के बारे में। और हम नवीन संभागों का गठन देखेंगे। जो नवीन संभागों का गठन है, जैसे आप लोगों को पता है कि हमें हमारे राजस्थान के अंदर जो 19 तो नए जिले बनाए गए और इसके साथ ही 3 संभागों का गठन होता है। तो 3 नए संभाग सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर संभाग के अंतर्गत सीकर जिला, झुंझुनू जिला, नेम का थाना जो नया जिला बना है और चूरू, ये 4 जिले सीकर में आते हैं। और पाली जी संभाग के अंतर्गत पाली, जालौर, सांचौर जो नया जिला बना है और सिरोही, ये 4 जिले आते हैं पाली के अंतर्गत। और बांसवाड़ा के अंतर्गत बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और प्रतापगढ़ हो गया, यानी कि ये 3 जिले आएंगे हमारे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत। ठीक है, चलते आगे। यानी कि अभी 3 संभागों का गठन हुआ है, सीकर, पाली और बांसवाड़ा के। ठीक है, 3 संभाग नए बनाए गए हैं। तो हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि पिछले जो संभाग थे 7, उन 7 संभागों को भी देखेंगे कि उनके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। हम 1 नंबर संभाग से शुरू करते हैं और पूरे जैसे कि 3 तो पिछली बार, और जैसे कि पिछली बार हमारे 7 संभाग थे और 3 बना दिए गए हैं, तो यानी कि टोटल हमारे 10 संभाग हो गए हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि पूरे 10 संभागों के अंदर कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं, यानी कि किस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल होता है। तो हम शुरू कर लेते हैं संभाग नंबर 1 से। संभाग 1 हो गया पहला अपना जयपुर संभाग, और इस संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं, टोटल 7 जिले आते हैं, यानी कि जयपुर संभाग को मैं 7 संभाग, यानी कि जयपुर संभाग के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया जाता है। जैसे जयपुर हो गया, तो 1 हो गया अपना दूधू, 1 हो गया बहरोड़ी कोटपुतली, और 1 हो गया दौसा, 1 हो गया खैरतल, 1 हो गया अलवर, 1 हो गया जयपुर ग्रामीण, यानी कि ये 7 जिले हो जाते हैं। जैसे आप लोग आराम से देख सकते हो यहाँ पे,
ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं दो नंबर संभाग के बारे में है। और दो नंबर अपना संभाग है सिक्कर, यहाँ आप देख सकते हो सिक्कर संभाग है जो नया संभाग बनाया गया है, जैसे हमने पीछे बात भी कर रखे हो पहले। और इस संभाग के अंतर्गत चार जिले आते हैं, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना। ये चार जिले हो गए जो हमारे सिक्कर संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चार जिले आगे जो सिक्कर जो बनाए गए नए संभाग में आते हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं बीकानेर संभाग के बारे में। और हमारा बीकानेर संभाग के अंतर्गत चार जिले आते हैं, इसमें कौन कौन जिले आते हैं तो देखते हैं। बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, और हनुमानगढ़ हो गया, और अनूपगढ़ हो गया, अनूपगढ़ जो भी नया जिला बना है। तो इन चार जिलों को हमारे बीकानेर संभाग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये तीन संभाग हो गए। आगे चलते हैं बात करते हैं चार नंबर संभाग के बारे में। और अपना चार नंबर संभाग आता है अजमेर। अजमेर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं सात। कितने जिले आते हैं? सात जिले आते हैं। तो सात जिले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर और डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ये सात जिले हो गए जो हमारे अजमेर संभाग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पांच नंबर संभाग के बारे में। और अपना पांचवा संभाग है भरतपुर। भरतपुर संभाग है और भरतपुर संभाग के अंतर्गत छह जिलों को शामिल किया जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हो छह जिले कौन कौन से हैं। एक तो आता है भरतपुर, और एक आता है अपना धौलपुर, और एक आता है करौली, एक आता है डीग, और एक आता है गंगापुर सिटी, एक आता है सवाईमाधोपुर। यानी कि इन छह जिलों को हमारे भरतपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। आई बात समझे? ठीक है, चलते हैं आगे और बात करते हैं छह नंबर संभाग के बारे में। और छठवा संभाग है कोटा। इस संभाग के अंतर्गत चार जिलों को शामिल किया जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हो कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया और झालावाड़ हो गया। क्या क्या हो गया? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कि ये चार जिले हो गए जिनको कोटा संभाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। चले आगे, छह हमारे संभाग हो गए। बात करते हैं अगले संभाग की, सात नंबर संभाग के बारे में। तो सातवां संभाग होता है जोधपुर, यानी कि जोधपुर संभाग के अंतर्गत हमारे छह जिले आते हैं। और ये छह जिले कौन कौन से हैं तो आप बताऊं कि जैसे कि आप लोग देख सकते हो जोधपुर हो गया, फलोदी हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण, यानी कि इन छह जिलों को हमारे जोधपुर संभाग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और देखते हैं पाली संभाग के बारे में, यानी कि हमारे अगला संभाग है पाली, जो भी नया बनाया गया संभाग है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है नया संभाग है। और इसके अंतर्गत चार जिलों को शामिल करते हैं। चार जिले कौन कौन से आते हैं? तो चार जिले के अंतर्गत जैसे पाली हो गया, जालोर हो गया, सांचौर हो गया और सिरोही हो गया। आ गया समझ? कौन कौन से? पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, जो पाली संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चले और आगे चलते हैं, ये तो अपना पाली संभाग हो गया। तो पाली संभाग के आठवां संभाग आता है, और नौवां संभाग की बात करूँ तो उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंतर्गत जिले आते हैं हमारे पांच, यानी कि उदयपुर संभाग को पांच जिले रखे गए हैं। लेकिन जैसे आप देख सकते हो उदयपुर संभाग में एक तो उदयपुर जिला आता है, चित्तौड़गढ़ जिला आता है, भीलवाड़ा जिला आता है, राजसमंद जिला आता है और सलोमगढ़ जिला आता है, जो भी नया बनाया गया है। इन पांच जिलों को शामिल करके हमारे उदयपुर संभाग रखा गया है,
ठीक है। तो ये हमारे उदय होता है पूरा उदयपुर संभाग के, उदयपुर संभाग हो गया जिसमें 5 जिलों से बनता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं लास्ट संभाग यानी कि बांसवाड़ा संभाग के बारे में। और जैसे कि ये अभी हमारे नया संभाग बनाया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हो बांसवाड़ा नया संभाग, जो अभी 3 संभाग बने थे उसके साथ में इसको भी बनाया गया है। और इस संभाग के अंतर्गत 3 जिलों को रखा गया है जो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन जिलों को इसमें रखा गया है। जैसे आप लोग देख सकते हो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, यानी कि इन 3 जिलों से मिलाकर एक नया संभाग बनाया गया है बांसवाड़ा संभाग, ठीक है। तो और ये हो गया 3 संभाग वाला जिला संभाग, 3 जिलों वाला संभाग बोल सकते हैं हम इसको। और इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे कम जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत सबसे कम जिले आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारे पूरे 10 संभाग है। और जैसे कि ऐसा बताऊं कि सबसे कम जिलों वाला संभाग पूछे तो बांसवाड़ा संभाग होता है, और सबसे अधिक जिलों वाला संभाग आपको बताऊं तो मैं, जैसे आप लोग देख सकते हो, एक तो अपना हो गया अजमेर जिसके अंदर 7 जिले होते हैं, एक हो गया जयपुर, यानी कि सबसे अधिक जिलों वाला संभाग आता है जयपुर और अजमेर, जिनमें 7 जिले आते हैं। और जिस संभाग में 4 जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा सीकर संभाग है जिसमें 4 जिले आते हैं, और एक बीकानेर हो गया जिसमें 4 जिले आते हैं, एक हो गया हमारा कोटा संभाग जिसमें 4 जिले आते हैं, और एक हो गया पाली जिसमें क्या आता है 4 जिले आते हैं, यानी कि 4 संभाग होते हैं इसमें 4 जिले आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा 10 संभागों का आज का ये वीडियो पूरा होता है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।